ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना बराबर पर्सनल रियल और क्या नॉमिनल उसके हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए थे ठीक है अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लेक्चर से आप जो भी सीखने वाले हो ये हम बढ़ने वाले हैं अभी सॉल्यूशन की तरफ जो लिखना ना सम सॉल्व करना ठीक है उसके पहले का ये थोड़ा सा थियरी ठीक है और ये चीजें आपको कभी भी आगे चल के जो भी स्टैंडर्ड में आप रहोगे अगर भूल जाओगे तो आपको वापस ये पन्ने पे आना पड़ेगा तो समझ लो ये इतना इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो अब यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट अब हमने ये अकाउंट मैंने आपको अगर बताया, तो बताया था तो सरनेम बताया था याद है जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था क्या एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर कुछ क्या किया था बिजनेस चालू होता है ठीक है क्या क्या स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी अकाउंट बना दिया ठीक है वैसे कोई इंसान के साथ डीलिंग कर दिया तो उसका अकाउंट बना दिया तो ये अकाउंट जो सरनेम है ना वो एक्चुअली है क्या वो हम यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यहां पे सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर क्या चीजें आ जाती है क्लासिफिकेशन ठीक है क्लासिफिकेशन आपका किस टाइप में हुआ अकाउंट का तीन चीज पर्सनल रियल और नॉमिनल नीचे भी लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में तो ये क्लासिफिकेशन मीन्स वॉट कलेक्टिंग ऑल द एंट्रीज इन वन प्लेस कॉल्ड अकाउंट तो जितनी भी चीजें उस अकाउंट के रिलेटेड है सबको एक साथ लेके आ जाओ मतलब क्या जब भी आपको याद होगा आप कभी बचपन में गेम खेलते रहोगे लूडो वगैरह गेम खेलते हो बराबर है अभी भी अगर आपने खेला होगा लॉकडाउन में ठीक है तो क्या करते थे आप लूडो गेम एक अलग है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कलर की क्या होती है आप करते हो ना जो क्या बोलते हो उसको जो भी है क्या बोलते हैं उसके अंदर जो अलग अलग कलर के हाउसेस होते हैं उसके ऊपर आप रखते हो ना कॉइन्स रखते हो तो जो कॉइन्स होते हैं रेड येलो ग्रीन ब्लू तो चार कलर के कॉइन्स हैं आपके तो सबको आप इकट्ठा करते हो एक बॉक्स के अंदर बंद करके रख देते हो ताकि अगर उसमें से एक पीस भी गायब है आप गेम खेल नहीं सकते हो तो ये जो अकाउंट है ना उस पर्टिकुलर चीज़ जैसे अगर मैं बोलता हूँ फर्नीचर अकाउंट तो आपको इससे क्या समझ में आया अब तक लेम लैंग्वेज आप अकाउंटिंग अभी तो आपकी शुरू भी नहीं हुई है अगर आपने सुना मेरे से क्या फर्नीचर अकाउंट वॉट डू मीन बाय दिस फर्नीचर अकाउंट मतलब कि फर्नीचर आपको क्या समझता है घर पे जो फर्नीचर होता है ना सोफा बराबर टीवी के लिए जो भी आपने फर्नीचर बनाया हुआ हो ठीक है बैठने के लिए चेहरों सब चीज फर्नीचर में क्लासीफाइ लेकिन हम बिजनेस के हिसाब से सोचते रहे तो बिजनेस में क्या होगा फर्नीचर जैसे अगर हम क्लासरूम में आप आओगे स्कूल में आप जाते हो तो क्या देखते हो आप बेंच देखते हो ठीक है ब्लैक बोर्ड है बराबर है कि नहीं है फिर उसका जो कॉलेज में सब चीजें होती है ना प्लेटफॉर्म होता है टीचर वहां से पढ़ाती है टीचर के लिए एक टेबल होता है तो ये सब फर्नीचर क्लासीफाई हुआ मतलब जितना भी फर्नीचर है ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर अकाउंट उसको आपने बेचा या खरीदा ठीक है आपने बेचा या तो खरीदा तो ये किसका ट्रांजेक्शन है

अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है अकाउंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन तो ये क्या बताता है अकाउंट एक स्टेटमेंट है क्या है एक पन्ना एक स्टेटमेंट है क्या है ये स्टेटमेंट वो क्या करता है विच शोज व्हाट समरी ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस ऑफ अ पर्सन समरी ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब किस दिन उस टीचर को सैलरी दी गई है समझो तो ऐसे ट्रांजेक्शन उस महीने में 50 टीचर्स काम कर काम किया बराबर है तो 50 टीचर्स का नाम होगा तो उसके अंदर सैलरी अकाउंट के अंदर 50 टीचर्स को पेमेंट किया गया उसका क्या है Summary है है समरी मंथ का तो तो ये वही बात हो रही एंड बैलेंस ऑफ अ पर्सन या तो फिर और एन आइटम जो भी चीजें होगी उसके हिसाब से तो ये कलेक्शन है सब ट्रांजेक्शन का एक जगह पे उसको आप बोलते हो अकाउंट इन शॉर्ट ये इसका मीनिंग हुआ अकाउंट शोज बोथ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेनिफिट रिसीव अकाउंट शोज बोथ द बेनिफिट रिसीव ये जो है ना बहुत जगह पर आगे भी ये वाला मैं कंटिन्यू करने वाला हूं इसी लेक्चर मतलब अगले लेक्चर में ये वाला तो आप बहुत बार सुनने वाला बोथ द बेनिफिट रिसीव बाय द बिजनेस एंड द बेनिफिट गिवन बाय द बिजनेस बेनिफिट रिसिव बाय द बिजनेस बेनिफिट गिवन बाय द बिजनेस ये दोनों चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज ही मेरे को आपको समझाना है तब जाके आप क्या समझ पाओगे पता है जब आपको ये दो चीज समझ में आएगी तब आपको क्या समझ में आएगा अभी तक समझे नहीं हो अभी तक मैंने समझाया भी नहीं है इसके लिए आपको अगले लेक्चर का वेट करना है लेकिन ये जब आप समझ जाओगे तब आपके जीवन का जो शब्द आप सुन रहे हो पहली बार दैट इज वॉट डेबिट और क्रेडिट तो आपको अकाउंट्स के अंदर बार बार अपने आप को क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ये जो अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट क्या उसको डेबिट करना है क्या उसको क्रेडिट करना है ठीक है ये देखो मैं ये सिखाने के लिए समय लूँगा ठीक है क्यों समय लूँगा क्योंकि आपको अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ अगर आपने साइकिल सीखी होगी चलाना अगर आपको आता होगा तो आपने कैसे सीखी होगी पहले तो डर लगता है दो पहिए कैसे आप चलाने वाले हो तो आपको उसको बहुत बार आप गिरे होंगे चोट लगी होगी अगर आपने वैसा नहीं सीखा तो आपने क्या व्हील्स लगाते थे साइड में दो क्लियर है आपको पेरेंट्स हेल्प करते थे आप साइकिल चलाते थे जैसे जैसे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा वो जो तीन जो पहिए लगते थे ना एक्स्ट्रा उसको आप निकाल देते हो फिर थोड़ा सा डर है फिर आप सीख रहे हो तो टाइम लगता है उसके बाद जब बाइक सीखने की बारी आती है आप बाइक अभी तो आप सीखोगे नहीं बच्चे हो जब आगे आप सीखोगे तो आप वहाँ पे तीन व्हील लगाओगे कभी देखा आपने तीन व्हील लगा के बाइक चलाता हुआ कोई बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तो आपने साइकिल में जो बैलेंसिंग बना ली है वो बैलेंसिंग आपको बाइक में भी काम आती है स्कूटर में भी काम आती है जो स्कूटी हम बोलते हैं स्कूटी में भी काम आती है तो ये वही चीज़ है डेबिट क्रेडिट मैं यहाँ पर अपना समय लूँगा समझाने के लिए भले एक दो लेक्चर ज़्यादा लगे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्लियर है तो ये जो बोथ द बेनिफिट रिसीव बेनिफिट गिवन बोथ हाँ दोनों की बात ही रही बोथ द बेनिफिट रिसीव मतलब बोथ कौन सा दोनों के बारे में बेनिफिट रिसीव और बेनिफिट गिवन इसी पे हमारा अगला लेक्चर बेस्ड होगा और हम पूरा चीज डिटेल में देखेंगे दिस हेल्प टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट तो इससे हमें पता चलता है बैलेंस वॉट डू मीन बैलेंस कि हमने उस पर्टिकुलर मंथ में पचास टीचर को सैलरी दी कितनी सैलरी दी एक लाख सैलरी दी इसका मतलब एक जन को एक लाख नहीं दी है पचास जन को मिलकर एक लाख रुपया बिजनेस से गया है ठीक है तो ये आपको इस तरीके से ध्यान देखना है अब इसी ट्रांजेक्शन में अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं जैसे टीचर्स स्कूल में आई या कॉलेज में आके काम कर, काम किया स्टूडेंट्स को पढ़ाया अब हुआ क्या बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं आपको यहां या कॉलेज बोलो कॉलेज स्कूल जो भी उसके हिसाब से सोचना है टीचर्स आई ठीक है बिजनेस को क्या बेनिफिट हुआ उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया ठीक है थीके? फायदा हुआ ना बिजनेस को यही तो फायदा हुआ और गिवन बेनिफिट गिवन क्या बेनिफिट दिया बिजनेस ने या कॉलेज ने टीचर्स को सैलरी समझ लो सर्विस ली सैलरी दिया तो ये समझ लो ट्रांजेक्शन में एक चीज आएगी एक चीज जाएगी मतलब आएगा क्या बेनिफिट विल बी बेनिफिटीव टू बिजनेस एंड बेनिफिट विल बी गिवन बाय द बिजनेस तो ये आप अभी किसके हिसाब से सोच रहे हो बिजनेस के हिसाब से अगर आप उल्टे तरफ सोचो टीचर के हिसाब से टीचर ने क्या बेनिफिट दिया टीचर ने अपनी सर्विस दी क्या लिया मतलब बेनिफिट क्या रिसीव किया पैसा मतलब यहां पे रिसीव पैसा हुआ कॉलेज के लिए रिसीव क्या हुआ सर्विस उल्टा तो ये इस तरीके से चलता रहेगा तो इससे आपको क्या पता चलता है ठीक है तो अब यहां पे जो है हमने देखा यहां पे दिस हेल्प ये हमें पता चलता है कि एक्चुअल बैलेंस कितना है हमने उस महीने में कितनी सैलरी दी या उस पर्टिकुलर ईयर में हमने कितनी सैलरी दी तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन आपको बहुत टाइम पे जरूरत पड़ते हैं ठीक है जैसे आपने इस साल अकाउंटिंग की ठीक है फाइनेंशियल ईयर है आपका 2021 अगले साल आपको 2020 2021 चल रहा है 21 22 तो में आपको देखना है हिसाब किताब कि पिछले साल आपने टोटल सैलरी कितना आपने खर्चा किया है एम्प्लॉयज़ को आपने पेमेंट किया तो कहाँ से पता चलेगा तो अकाउंट ही ऐसी चीज़ है कौन सी उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की जो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देगी ठीक है टाइप ऑफ अकाउंट ये तो आपको मैंने डिटेल के अंदर पहले ही करवा दिया है पर्सनल पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट में किसका होता रिलेटेड टू पर्सन जिसके अंदर आर्टिफिशियल हो गए ठीक है वो सब इंक्लूड हो गए फिर रियल अकाउंट होते हैं रिलेटेड टू थिंग्स और प्रॉपर्टी दैट इज एन एसेट और नॉमिनल अकाउंट में होते रिलेटेड टू इनकम गेन एक्सपेंसेज एंड लॉसेज वो सब चीजें यहाँ पे हमने देखी नीड फॉर क्लासिफिकेशन ये जो क्लासिफिकेशन आपने किया ना कौन सा क्लासिफिकेशन भाई रियल पर्सनल नॉमिनल ये क्यों जरूरत पड़ता है ये इसलिए पड़ता है हमें कुछ चीजें पता करनी पड़ती देखते क्या क्या है पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स एक्सेट्रा हेल्प टू नो द फाइनल बैलेंस पेएबल टू द क्रेडिटर्स ये हमें क्या पता चलता है फाइनल बैलेंस पेएबल ठीक है इससे हमें क्या पता है फाइनल बैलेंस पेएबल किसको क्रेडिटर्स जिसको हमको पैसे पे करने वॉट ड्यू मीन बाय क्रेडिटर्स ये तो हम बाद में भी हम करने वाले हैं पर यहाँ पे क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है जिसको बिज़नेस को पैसा देना है डेटर्स मतलब क्या जिसको बिजनेस से पैसा लेना है जैसे आप मेरे पास आते हो क्या ख़रीदने को आते हो आप मेरे पास आते हो ये पेंसिल खरीदने के लिए ठीक है तो मैंने आपको क्या किया पेंसिल दे दिया आपसे मैंने क्या ले लिए पैसे ले लिए हो गया स्टोरी सोचो आप आते हो पेंसिल लेने के लिए वापस से बोले सर क्या चल रहा है पेंसिल लेने वापस से आ रहे हो वापस से आ रहे हो पैसा आपने दिया नहीं है आप उधारी पे लेके गए हो कैसे लेके गए हो उधारी ऑन क्रेडिट इंग्ला यहां पे अकाउंटिंग में क्या बोलोगे ऑन क्रेडिट आपने गुड्स खरीदे मुझसे ऑन क्रेडिट तो ये जो पेंसिल है मैंने आपसे पैसे लेने मतलब मेरे लिए आप कौन हो गए डेटर्स मुझे आपसे पैसे लेने अब ये पेंसिल भी तो मैंने किसी से खरीदी होगी उसको मुझे पेमेंट देना है तो उसको मैं क्या बोलूंगा क्रेडिटर्स तो बिजनेस को पैसा देना है क्रेडिटर्स बिजनेस को पैसा लेना है, so ये, आपको यहाँ पे रखनी है. So ये हमको पता चलता है और हमें क्या पता चलता है पेमेंट रिसीवेबल ठीक है पेमेंट ये दो चीजें हमें पर्सनल अकाउंट के द्वारा पता चलती है ठीक है ना रियल अकाउंट ऑफ एसेट्स सच एज बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा हेल्प अस टू नो द वैल्यू ऑफ अवर एसेट्स हमने जो चीजें खरीदी है ना जैसे कि आप दुकान पर आए तो आपने तो क्या डिमांड किया पेंसिल डिमांड किया लेकिन मैं बैठा था पूरे दिन से आपका इंतजार कर रहा था आप पेंसिल खरीदने आओगे तो पूरा दिन बैठा था तो मेरे पास चेयर है ठीक है टेबल है पंखा चल रहा है तो ये सब क्या है बिजनेस के एसेट्स है ना एक तरीके से तो आपने इनडायरेक्टली ये सब चीज़ों की भी डिमांड कर ली क्या इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर क्या बात करो इनडायरेक्टली डिमांड कर ली ना जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो आप पूछते हो खाना फ्रेश बनाया पूछते हो कि नहीं है पूछते पूछना भी चाहिए यस फ्रेश बना आपको पता है होटल है रेस्टोरेंट है फ्रेश खाना बन रहा है आपको मिल रहा है ठीक है गर्म गर्म चीज़ें मिल रही है आप पूछते हो प्लेट में खिलाओगे खाना आप ऑर्डर करते हो ना क्या पाव भाजी लेके आ जाना ठीक है ना या उसके साथ में मिल्कशेक लेके आ जाना जो भी आपको अच्छा लगता है आपने ऑर्डर दे दिया ठीक है वो आपके पास लेके आया आप पूछते हो उस टाइम पे प्लेट देना पंखा चालू करना ठीक है टेबल पे तो बैठा के खिलाओगे ना ऐसा पूछते हो क्या चेयर तो मिलेगा क्या बैठने को आप पूछते नहीं आप सिर्फ पाव भाजी ऑर्डर करते हो और मिल्कशेक आपको अपने आप आ जाता है मिल्कशेक बोलो कि ग्लास में ही ला के देना ऐसा बोलते हो क्या कुछ भी नहीं आपको पता है ग्लास में ही आने वाली ये चीज़ है तो ये क्या होता है ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली बिजनेस के एसेट्स है आप मांगने तो गए थे सिर्फ खाना आपको ये सब चीजें तो ये रेस्टोरेंट कब बोला जाएगा उस प्लेस को जब ये सब चीजें वहां पे होगी तो ये एसेट्स होते हैं तो ये रियल अकाउंट के अंदर क्लासीफाई किए जाते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसिस हेल्प अस टू नो ये हमें क्या पता चलता है कि अमाउंट ऑफ इनकम एक्सपेंसिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर कि हमने कितना पैसा कमाया कितना पैसा खर्चा हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल में जैसे उस रेस्टोरेंट की हम बात करते हैं आप गए आपने पैसा दिया आप खाना खाए आप आ गए काम ख़त्म आपका काम ख़त्म हुआ है उस दिन की आपकी भूख खत्म हो चुकी है पाव भाजी खाने की बराबर है लेकिन जो वहां पे बंदा काउंटर पे बैठा था उसको तो पूरे दिन का कलेक्शन लेना है कितना पैसा जमा हुआ है पूरे दिन के एंड पे उसके बाद खर्चा भी तो पाव भाजी खाए तो पैसे नहीं लगे पाव भाजी बनाने के लिए कैसे सब्जी वाले को पैसे देना है बटर वाले को पैसे देना है पाव जिससे आ रहेगा उसको पैसे देना है जिसने बनाया उसको पैसे देना है जिसने बर्तन धोए उसको पैसे देना आप समझ रहे हो तो एक्सपेंस उसके बाद कुछ पैसा बच जाएगा वो किसका होगा ओनर का लाइट बिल पे नहीं करनी है पंखा चालू नहीं करवाया था ए चालू नहीं करवाया था बराबर है कि नहीं है तो ये सब चीजें भी इसके अंदर पूरी काउंट हो जाती है फिर नंबर फोर पॉइंट है क्लासिफिकेशन अकाउंट्स हेल्प अस टू मेक द करेक्ट एंट्रीज ज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ अकाउंट ये रूल ऑफ डेबिट एंड रूल ऑफ क्रेडिट क्या है इस पर भी हम आएंगे थोड़ी देर में कोई दिक्कत नहीं है जो तो ये बेनिफिट की जो बात हो रही थी ना पहले आपको क्या समझना है पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपको समझना है ये बेनिफिट रिसीव्ड बेनिफिट गिवन ये जैसे आप समझोगे आपको यहां पर मुड़ना है डेबिट क्रेडिट समझने में ये कैसे समझोगे रूल्स के थ्रू ठीक है तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन बनेगा ठीक है कैसे उसकी एंट्री होती है अब प्रॉपरली क्लासिफाइड अकाउंट उसके लिए ये सब समझने के पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन दैट इज रियल पर्सनल नॉमिनल तो वहां पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे इसी चीज को ध्यान रखते हुए तो प्रॉपरली क्लासिफाइड अकाउंट्स हेल्प अस टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अभी जो शब्द है ना बहुत सुनने वाले हो क्योंकि ये आपका लास्ट जो टॉपिक आएगा इस चैप इस पूरे बुक में फाइनल अकाउंट्स करके चेक कर लेना इंडेक्स में उधर आपको ये बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो आप प्लीज इतना लिख लो मैं आपके लिए रखता हूं पूरे नोट्स पूरा का पूरा लिख लो आराम से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतना नोट्स बना लो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बाद में ये वाली चीज़ें पढ़ना दैट इज़ वॉट बेनिफिट रिसीव एंड बेनिफिट गिवन तो प्लीज़ इतना लिख लो आराम से पूरा का पूरा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में